हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिराज अंसारी। फ्रेंड्स, यहां पे कैश मशीन है, तो चलिए मैं आज आपको दिखाते हैं इंजन ऑयल कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मशीन को लेवल जगह पे खड़ा कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं यहां पे जो है लोडर लॉक को लगा देना है, ताकि जो है लोडर नीचे ना आ सके। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको इंजन ऑयल यहाँ पे ड्रेन करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है नीचे में चकनट जो है यहाँ पे खोल रहा हूँ। इंजन चैम्बर के पास यहाँ पे ड्रेनर बोल्ट होता है, इस बोल्ट को फ्रेंड से सिंपली जो है खोल देना है इस तरह से, और जितना भी सारा ऑयल कचड़ा निकलेगा उसको गिरने ही देना है, ना उसको रुकावट देना है। डायरेक्ट जो है जब तक बूंद बूंद आना बंद ना हो जाए तब तक आप इंजन ऑयल पूरा निकाल देना है। दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से मैं निकाल दिया हूँ। दोस्तों, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा काला ऑयल हमारा था पूरा ख़राब हो चुका था, यहाँ पे हमने निकाल दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है फिल्टर देख रहे होंगे, इस फिल्टर को जो है चेंज करना है। दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करोगे फिल्टर ज़रूर चेंज कर देना। दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से फिल्टर को फेंक ही देना है, उसको ना साफ़ करना है, ना धोना है उसको, और ना फिर लगाना है। दोस्तों, यहाँ पे जो है नया फिल्टर को ही डालना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इंजन ऑयल लाया हूँ सिंपसन कंपनी पावर टेक, और इसका ग्रेड नंबर है 15W40। दोस्तों, 15W40 का मतलब क्या होता है वो हमारा वीडियो के लास्ट स्क्रीन में देख सकते हैं, उसका एक अलग वीडियो दिया हूँ। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं 6490 जो है इसका प्राइस है। दोस्तों, 15 लीटर का है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है खोल लेता हूँ बाल्टी को, इसके बाद जो है डालने के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है खोल लिया हमने, और कितना ऑयल इसमें डालेंगे वो चीज़ भी बताएंगे। और अगर JCB का हो तो उसका वीडियो भी हमारा इंड स्क्रीन में मिल जाएगा कि 3DX में जो है कितना जो है इंजन ऑयल डाला जाता है, वो वीडियो हम एक अलग से दे दिया हूँ। और इसके पहले जो वीडियो डाला हूँ वो 3DX में भी डाला हूँ कि कितना कैसे डाला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फिल्टर को मैंने खोला था, यहाँ पे नया फिल्टर जो है बिठा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है फिल्टर को बैठा दें यहाँ पे, और अच्छे से जो है फिल्टर पाना से टाइट कर दें दोस्तों मीडियम में, ताकि जो अपना फिल्टर जो है ज़्यादा ख़राब ना हो और अच्छे से मीडियम में फिट हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से जो है फिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे पूरा ऑयल निकल जाए सारा, तभी जो है हमें बाहर निकालना है बाल्टी को। और यहाँ पे जो है हमने पूरा अच्छे से इसको निकलने दे दिया था, तो बाल्टी को निकाल लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट को लगाएंगे, ड्रेनर बोल्ट को, तो इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और फिर इसको लगा देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेट रहता है इसके अंदर, वो सारा जो इंजन ऑयल में बुरादे रहता है लोखंड का, वो खिंचाव करता है और वहाँ पे जो है चिपक जाता है। दोस्तों, तो इस तरह से साफ करने के बाद लगा देंगे, उसके बाद जो है हम इंजन ऑयल डालेंगे। ये चीज़ जो है ज़रूरी है, क्योंकि अगर ध्यान से हट गया तो ऊपर से अगर डालेंगे तो नीचे से नया इंजन ऑयल गिरता चला जाएगा। दोस्तों, तो इस तरह से लगाने के बाद सारा जो है आप इंजन ऑयल यहाँ पे डालेंगे। इंजन ऑयल कितना डालना है दोस्तों, यहाँ पे कैश 770 में 9 से लेकर के 9.5 लीटर तक आप इंजन ऑयल डालें। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसका जो है चेक करने का तरीका आप देखना चाहते हैं तो इंजन ऑयल डाल रहे हैं उस टाइम चेक नहीं किया जाता है दोस्तों, सुबह के टाइम में ही चेक किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से अगर अच्छा लगा हो जानकारी तो सिराज अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो के साथ।